You know, मैं जैसे का जोन्स देखने वाला था बट एंड में आई वॉच दिस आल पुट माई वन हैंड टू द गॉड एंड आई विल से कि इस सीरीज को देखकर ना मुझे वीर जारा की याद आ रही थी. एक सेकेंड, वीर जारा की नहीं, बजरंगी भाईजान की भी, क्योंकि दोनों जो मूवी थी ऐसा लग रहा था मुझे इन दोनों का मिक्सचर बनाया एक बढ़िया सा और वो हमें प्रेजेंट कर दिया. जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो जी ओरिजिनल्स ने भी एक नया प्रेजेंट करा है हमारे सामने. उनका जो कंटेंट मैं कहूँगा, लाइक बताता हूँ उसके बारे में आगे, बट उससे पहले Here goes the story plot. Kaafir follows the journey of a journalist who is seeking justice for a Pakistani woman, Kainaaz Akhtar. You can trust me with this, there is no fucking twist. I was waiting till the end ki koi to twist aayega badhiya sa jise dekhke main kahunga ki yaar ye series na worth it hai. Aap isko zarur dekho, but टिल दी एंड में वेट करता रह गया, एक भी मुझे बढ़िया ट्विस्ट नहीं दिखा. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुझे मिक्सचर लगा वीर जारा और बजरंगी भाईजान का. और लाइक जितनी भी हमने आज तक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी मूवीज देखी हैं उनका हमें कॉन्क्लूजन पता है कि क्या होता है. लाइक इवन ये सीरीज इतनी प्रिडिक्टेबल है कि मैं अगर आपको कुछ और बताऊंगा तो आपको पता है कि स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ. और मैं आपका, अगर आप देखने वाले हैं ये सीरीज तो मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता. बट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिया मिर्जा एंड मोहित राणा वाज कमेंडेबल. उनकी जो एक्टिंग थी वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग थी. जो भी उनके इमोशंस निकल के आ रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि लाइक वो फील कर रहे हैं. आप उनको बहुत ही अच्छे से फील कर सकते हैं, जो कि इस सीरीज का सबसे बढ़िया पार्ट जो मुझे लगा वो यही था. अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया है, कोई भी एक नया यूनिक शॉट नहीं लिया जो कि आपको लगे कि यार इस ये जो पर्टिकुलर शॉट है उसको इन्हेंस कर दिया उन लोगों ने. लाइक यहाँ पे बहुत सारे स्टैब्लिशिंग शॉट है, लाइक कश्मीर को ये लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, अमृतसर को स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसकी जगह लाइक बार बार वो सेम ही ड्रोन वाले फुटेजेस को यूज़ कर रहे हैं. आई वॉज थिंकिंग कि अगर वहाँ पे वो लोग मोन्टाज यूज़ करते तो वो बहुत ही बढ़िया लगता हमें देखने को और लाइक कुछ यूनिक होता, बट There is no creativity. अगर डायलॉग्स की बात करूँ तो कुछ जगह पे डायलॉग्स इसके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, जो कि आप जो वो सीन है आप उस सीन को पूरा अच्छे से फील कर सकते हैं. बट कुछ जगह पे लाइक डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, जहाँ पे हो सकता था कि उस चीज़ को है ना वो बहुत ही बढ़िया से बिल्डअप कर सकते थे, बट वो जगह पे कुछ चीज़ें जो डायलॉग्स थी वो बहुत ही फ्लैट थी, जो कि उस सीन को कुछ ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाई. आई विल जस्ट से कि जो इसका स्टोरी है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा. लाइक इसके एक्टर्स ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और इसका डायरेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है. पेसिंग की बात करूँ तो पेसिंग थोड़ा बहुत है, थोड़ा स्लो भी है और थोड़ा कभी कभी फास्ट है, तो लाइक बैलेंस्ड है. ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू गिव काफिर ए 2.5 स्टार. आई जस्ट लीव इट अप टू यू. अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो देखो यार, वरना नहीं देखनी तो मेरा क्या जा रहा है यार, वो तो उनका नुकसान हो रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.